सीरियसली यार ना डर लग गया, मैंने कहा आगे की राइड कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अभी बाइक राइड स्टार्ट होते है, बहुत बड़ा क्लेश हो चुका है। और ये है महाशापुरा माता जी का मंदिर। बोले भारत माता की जय। औकात ना झंडा लेने की तो ही लिया करो, वरना यार ऐसा मत किया करो। जैसे ये ना रोड क्रॉस कर रहे थे ना, बीच में आ गया वो। ओ भाई 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 कहाँ ले। ये चीज मैं नोटिस नहीं कि इसमें तिरंगा दिख रहा है, ये देखो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग है ना सीरियसली बहुत ही सही होने वाला है, क्योंकि यार है ना आज के व्लॉग में है ना मेरी एक बहुत ही लंबी राइड होने वाली है। और है ना सीरियसली बताऊं ना तो ये मेरी जिंदगी की पहली राइड है, और सीरियसली यार है ना इतना एक्साइटेड होना इस बात के लिए, इस चीज के लिए, और थोड़ा सा नर्वस भी। मैं और रतन ये राइड कंप्लीट करने वाले हैं। इस राइड में हम सबसे पहले जाने वाले हैं कुंभलगढ़, उसके बाद में परशुराम महादेव, रणकपुर जैन टेम्पल और देसुरी सादड़ी, मतलब काफी जगह है जहाँ मैं ना जाने वाले हैं और उन जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यार इस ब्लॉग में ना सीरियसली बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, सपोर्ट करना। चलो दो दिन के बाद आऊंगा, ठीक है? कल आइए वहां, मतलब भाई आज का पूरा दिन और कल शाम तक आ जाऊंगा, ठीक है? टेंशन मत लेना, ठीक है? जाऊ बाय मम्मी बाय। अभी यार है ना इसमें सीरियसली है ना फ्यूल अप बहुत ही कम रह गया है, लेकिन फ्यूल अप से पहले हम हमारी पेट पूजा कर लेते हैं। और अम्बेडकर सर्कल के जस्ट सामने इंदौरी पोहे, तो यार आप आओ तो जरूर खाना। और कैसे हो? बढ़िया। रेडी हो रही है इंदौरी पोहे वाली प्लेट, और भैया क्या मस्त है यार रेडी कर रहे हैं। मस्त है ना, जल्दी जल्दी खा ले, राइड कम्प्लीट करनी है, जितना हो सके जल्दी निकलना है। क्या हुआ? अरे हाँ यार ये चीज मैंने नोटिस नहीं की, ये चीज मैंने नोटिस नहीं की, इसमें तिरंगा दिख रहा है, ये देखो। चले कितने का ये वाला? 20 का एक दे दो। ऑनलाइन है? ऑनलाइन मारे बैकट है। बहुत बढ़िया। सो गाइस अभी बाइक राइड स्टार्ट होते है, बहुत बड़ा क्लेश हो चुका है। ये एक्चुअली पूरी की पूरी गलती है ना रतन की है यार। मैंने अपना बैग है ना रतन को दिया था संभालने के लिए, और इसने भाई साहब ने ना वहीं पे छोड़ दिया वो पड़ा। थैंक यू भैया ना। बोले भारत माता की जय। और भाई साहब क्या मस्त डेकोरेशन किया है यार 15 अगस्त के लिए, और बहुत सही लगता है। मुझे तो मेरे स्कूल के दिन याद आ गए आज। 890 हाँ, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर देखो झंडा, देख रतन भाई सही है ना यार, अगर 15 अगस्त पे अगर झंडा ले रहे हो ना, औकात है ना झंडा लेने की तो ही लिया करो, वरना यार ऐसा मत किया करो। तो गाइस अपना मूड खराब नहीं करते, और आगे का जो सफर है वो कंटिन्यू करते हैं। और गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हिमावास गांव, जो कि मेरा ननियाल है। अंकल जी वो कौन सा गांव है? सोडावास। तो अभी एक्चुअली सोडावास आए, और यहाँ से अटू साहब कुंभलगढ़ कितना दूर पड़ी? हाँ 100 किलोमीटर। अटू तो देसूरी वाले से रूट पकड़ना। So guys, अभी हम पहुंचे हैं टेवाली, और यहाँ से देसूरी है 46 किलोमीटर और नाडोल है 30 किलोमीटर। इट्स माय फर्स्ट लॉन्ग राइड, एंड सीरियसली गाइस एक बात बोलो ना तो इट्स गोना बी टफ फॉर मी। बीच बीच में ना सीरियसली रहना, ये लोग मिलते हैं ना पैदल पैदल यात्रा जाते हैं, जो बाबा के धाम जा रहे हैं ना पैदल यात्रा, तो इनको देख के बहुत मजा। तो गाइस अभी हम ना पहुंचे हैं बूसी गाँव। पता नहीं कितने गांव आएंगे यार, अभी तक ना पता है कितने गांव आ चुके हैं? 5 गांव आ चुके हैं। एक बार मैं कुंभलगढ़ जा चुका। ओ भाई साहब इधर जाना है कि उधर जाना है? इधर जाना था कि उधर जाना था? यार रास्ता भटक गए भाई साहब, रास्ता भटक गए। अंकल जी ये कहाँ जाना था? कुंभलगढ़ रास्ता कटने सा देसूरी कुंभलगढ़ भी जे। ठीक सर, धन्यवाद सर। नहीं राम राम सर। सो गाइस अभी पहुंचे हैं सोमेश्वर, और यहाँ से अभी सीधा नाडोल रुकेंगे। टनल के अंदर से होके जाना पड़ेगा। टनल के अंदर से जाने का क्या मजा आता है यार, अगर अपने बाइक में एग्जॉस्ट लगा होता ना तो क्या साउंड आते है यार। ओ भाई 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 कहाँ लेके आ रहा है गाड़ी, क्या कर रहा है? क्या तो मक्खन रोड है यार, बाइक चलाने का क्या ही मजा आ रहा है यार। बाकी गाइस है ना मतलब राइड के लिए है ना ये मौसम परफेक्ट है यार, धूप नहीं है, छांव है, और काफी मजा आ रहा है। ये गांव है देवली बाबू जी, और क्या मस्त गांव है यार, है रतन? मतलब सीरियसली यार घर वगैरह और काफी अच्छे बने हुए हैं। गांव है, गांव लग भी नहीं रहा यार सच में, और क्या मस्त गांव है यार ये। भाई साहब क्या मस्त मस्त गांव आ रहे हैं यार। ओ भाई साहब, ओ हो क्या था भाई,
बाप रे, कसम से यार इतना बड़ा सांप था यार। भाई साहब कसम से है ना, हम जैसे ना रोड क्रॉस कर रहे थे ना, बीच में आ गया वो। भाई साहब सच में यार इतना सांप है, बच के रहना। इतना बड़ा सांप देखा ना यार, भाई साहब मैंने 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 अपनी लाइफ में ना इतना बड़ा सांप है ना पहली बार देखा यार, और लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत बड़ा सांप था यार वो। राम राम भाई साहब, मैं यूँ पूछता आपने देसूरी रस्त हो जैसा देसूरी नाडोल पहले नाडोल आई नहीं सा अच्छा ठीक सर ठीक सर। देखो इनकी भी राइड अलग ही चल रही है। हाँ देखो भाई साहब सो गए, अभी नाडोल पहुंच चुके हैं, नाडोल पहुंच भी चुके हैं और मुझे पता भी नहीं है, ये तो है ना अंदर पूछा दुकान वाले से, इनका ये कौन सी जगह था, बोले नाडोल है, इनका नाडोल पहुंच गया। यहाँ पहुंच गए क्या है ना, अभी सीधा देसूरी है, फिर देसूरी एक बार रुकेंगे, देसूरी जाते ही है ना कंफर्म करेंगे कि आगे ना कहाँ जाना है, या तो जाएंगे सीधा कुंभलगढ़ या जाएंगे परशुराम महादेव, वहाँ जाकर तय करेंगे कि यहाँ पे वहाँ पे। ठीक है, अभी तबीयत तो सही है ना, एकदम फाइन। मुझे तो है ना सीरियसली अरे ना डर लग गया, मैंने कहा आगे की राइड कैसे कंटिन्यू करेंगे, क्या हुआ क्योंकि तू रुका था, सांप देख लिया था आपने इसलिए। चले अभी तो अभी हम जा रहे हैं महाशापुरा माता जी के मंदिर, और ये रहा भाई साहब क्या सही लगता है ना यार, टट्टू करवाना है क्या टट्टू, वो देख वो कर रहा है वहाँ पे। कैसा रहा सफर फिलहाल का? अच्छा अभी फिलहाल का तो अच्छा रहा, बाकी देखते क्या होता है। और भाई साहब मंदिर में आते ये चीज बहुत सही दिखी, मंदिर परिसर में शॉर्ट कपड़े पहनने नॉट अलाउड, बहुत ही सही बहुत ही सही। पहले है ना यहाँ पे पूछ लेता हूँ ना अंदर है ना कैमरा वैमरा अलाउ है या नहीं है, वीडियो वगैरह बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तभी अंदर वीडियो बनाएंगे ना भाई, क्योंकि मतलब किसी का ऐसे अपमान करके कोई चीज़ नहीं करनी। और ये है महाशापुरा माता जी का मंदिर, यहाँ एक्चुअली वीडियो ले सकते हैं लेकिन अंदर नहीं ले सकते हैं, और क्या मस्त है यार सीरियसली। तो फिलहाल अभी है ना महाशापुरा माता जी के दर्शन हो गए, मतलब इतना अच्छा लगा ना यार, कैसा लग रहा है, और बहुत सही यार बहुत सही, मतलब एक नंबर। यही पे है ना खाना वाना खा के और फिर आगे का जो भी सफर है वो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस यहाँ से पहले टोकन लेना पड़ेगा, पहले ना 20-20 रुपए का टोकन लेकर और उसके बाद है ना आगे खाना वाना मिलता है। ये रहा टोकन 40 रुपए, दो जने हैं 20-20 रुपए, और है ना अच्छी सी बढ़िया 20 रुपए की थाली मिल जाएगी, तो खाना वाना खाकर और फिर आगे चलेंगे। खाना वाना खाकर आ गए और भाई साहब जो खाना था ना यार, मतलब 20 रुपए प्लेट है ना, मतलब बहुत ही सही थी यार। दाल बाटे राजस्थानी स्पेशल दाल बाटे, और साथ में है ना लापसी और चावल, एक और कोई सब्जी थी मुझे याद नहीं आ रही है, पर वो मतलब है ना, और सीरियसली है ना घर जैसा टेस्ट यार, और यार खाने का वरना एक अलग ही मजा है, एक अलग ही वाइब है। और सीरियसली है ना सबसे बढ़िया बात, कोई भी है ना मतलब ऊंच नीच किसी भी प्रकार की नहीं है यार, सीरियसली बोलते सब जने एक ही साथ में बैठ के खाना वाना खाते हैं, और सच में ना इतना अच्छा लगता है ना यार, सोडा वोडा पीकर आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ आकर है ना सीरियसली बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी है ना मज़ा आया, काफ़ी पॉजिटिव आई भाई, और महाशापुरा माता जी के दर्शन भी हुए, मैं पहली बार आया। और यहाँ का ये मार्केट है जस्ट है ना अंदर होते ही ये मंदिर यहाँ पे, और क्या सही लगता है यार, मतलब इस ब्लॉग को मैं यहीं तक फिलहाल करता हूँ एंड, और आगे जो भी ब्लॉग होगा ना आगे का जो भी सफ़र है कुंभलगढ़ परशुराम महादेव रणकपुर, तो वो मैं आगे वाले ब्लॉग में बताऊंगा, तो आप उन ब्लॉग को मिस मत करना, और यार ना चैनल को भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड, आई होप गाइस कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू एंड हैव अ ग्रेट डे।